अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हूँ हुस्नैन रज़ा। व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे BTK 2 के हवाले से, क्योंकि इसका जो सिचुएशन है मार्केट में उस वक्त, इसमें BTK 2 काफ़ी हॉट कंडीशन में चल रहा है। तो आज इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राणा उमर दिलदार, और आज हम इसे क्वेश्चन करेंगे कि BTK 2 और BTK 1 में क्या फ़र्क है, और जो चीज़ें, जो गलतियाँ BTK 1 में की गई थी, आया वैसे ही BTK 2 में होगा कि कोई शेड्यूल चेंज किया BTK 1 के या BTK 2 के हवाले से। तो उमर कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ठीक है। अल्लाह का शुक्र। उमर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि जैसे पता है कि BTK 2 कल लॉन्च हो रहा है ऑफिशियल तौर पर, जो रेट 150, जो प्लॉट्स के रेट 125-250 कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से सबके, मतलब रेट कल अनाउंस कर देंगे वो। जी तो BTK 1 में जैसे आपको देखा है कि फैक्ट्रीज थे प्लॉट्स के, विलास के, तो जैसे ये यहाँ पहले फाइल लॉन्च की गई थी, आया वैसे ही फाइलें BTK 2 में भी लॉन्च होंगी क्या, कोई सिनेरियो चेंज है इनका? जी पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने मुझे क्वेश्चन किया उसके बारे में, मोस्टली आजकल क्यूरीज चल रही हैं और कस्टमर्स भी हमसे यही क्वेश्चन करते हैं। तो पैटर्न तो सेम ही है जिस तरह इन्होंने BTK 1 में लॉन्च किया, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ये हुई है कि जितने भी कस्टमर्स, न्यू कस्टमर्स परचेजिंग के लिए आएंगे, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि देखें उनकी जो प्रॉपर्टी है, अगर वो कहीं भी उसको समझें कि फाइल को अवेल करते हैं तो वो डिस्प्यूट होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि सही इनकी टोटल लैंड है जो वो एक तो लीज़ पे है, दूसरा ये बेल्टिंग विद मैप कर रहे हैं। सही है। तो ये BTK 1 से थोड़ा सा सिनेरियो उसका चेंज है, और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ रिलायबल है कि अगर आप वहाँ पे परचेजिंग करते हैं। दूसरा एक और चीज़ जो बड़ी देखने को मिली वो ये है कि ये 40% डेवलपमेंट के साथ लॉन्च हो रहा है, ठीक है, जबकि BTK 1 में ऐसा कोई सीन नहीं था। सही है। जी मतलब कि आप कह रहे हो कि ये सारी लीज पे है, और इसमें ये चीज़ जो है फैक्ट्री की ऑटो बाउंड्री फाइल्स या कोई जैसा BTK 1 में वैसा कोई चांस ही नहीं है इसमें। चांसेस तो नहीं है। देखें दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे BTK 1 में जो फैक्ट्री सामने आए हैं सही। उनके लिए भी बहरिया ने वक्तन फवक्तन मर्जिंग को ओपन किया, वो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ठीक अगर है। वो उसको टाइम पे अवेल करते, यानी कि टाइमली डिसीजन लेते, तो आज वो सिचुएशन से निकल सही। सकते थे। उमर भाई, जैसे प्रीवियस 15 डेज पहले जब BIA.com की लॉन्चिंग हुई थी, जो कंट्री हेड हैं शायद लॉन्चिंग सेरेमनी मुझे हुई नहीं थी। थी, तो कंट्री हेड हैं जो, उन्होंने कहा था कि उसमें अली रियाज की वीडियो कॉल थी, उन्होंने कहा था कि हम अपने फैक्ट्रीज बहुत जल्द ख़त्म कर रहे हैं, ठीक जी है, एक्सपेक्ट तो किया जा रहा एक्सपेक्टेड, है। तो हाँ मतलब कि वो ख़त्म वाला सीन आपको क्या लग रहा है, जिनके पास फाइल्स हैं या जिनके पास विला के फाइल हैं, तो उनको आपको एक्सपेक्टेड है कि उन्हें नेक्स्ट जो BTK 2 में वो प्लॉट वगैरह देंगे, या कोई ऐसा उनके लिए सिनेरियो बनाएंगे, या कोई रिफंड करेंगे उनके? देखें बहरिया तो उनकी जो पॉलिसी है उसके बारे में कुछ भी कहना कबलज वक्त होता है, लेकिन ठीक इसमें है। हमारी प्रेडिक्शन ये होती हैं कि अभी उन्होंने वहाँ पे जो लाइव कॉल के ज़रिए अपनी गलतियों को तस्लीम किया, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट आएगा ठीक मार्केट है। पे, ख़ास तौर पे जो बहरिया टोन 2 की मार्केट है उस पर बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और दूसरी ये चीज़ है, उन्होंने कहा कि 2023 का साल ऐसा साल होगा जो समय लेंगे फैक्ट्रीज के लिए होगा, ठीक ये है। चीज़ उन्होंने वहाँ पे अनाउंस की। तो ये बहरिया टोन के जितने भी फैक्ट्रीज हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि अली मलिक रियाज़ साहब ने ये खुद वहाँ पे वीडियो लिंक के ज़रिए ये चीज़ अनाउंसमेंट में जाहिर कर दी है कि 2023 में आपका कोई भी कंसर्न है, आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या रिफंड प्रोसेस में, वो सारा इंशाल्लाह ताला आपका क्लियर कर दिया जाएगा 2023 में। सही। अच्छा, BTK 2 में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या अट्रैक्शन है BTK 2 में, जो हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्लाइंट को अट्रैक्शन क्या है इसमें जो? जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मोस्टली देखें ये अक्सर हमारे कस्टमर सवाल करते हैं कि यार एक तो बहरिया टाउन कराची 2 है जो वो मेन सिटी से तकरीबन 70 से 75 किलोमीटर की दूरी पर है, सही तो वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें जबकि बहरिया टाउन कराची में फैक्ट्रीज की सूरत में लोग सामने आए सही और बात। बहुत चीज़ें इस तरह की हुई कि जो नहीं होनी चाहिए थी। तो उनके लिए मेरा सादा सा क्वेश्चन है, अगर वो इसके डिस्टेंस के बारे में परेशान है तो उसका आंसर यही बनता है कि देखें बहरिया टाउन कराची हमेशा अपनी कोई भी लैंड या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे वो BTK या बहरिया टाउन के कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो वो सबसे पहले फ्यूचर सिनेरियो देखता है। सही है। तो फ्यूचर सिनेरियो के वाले से BTK 2 मेरी नज़र में बहुत अच्छा है सही है। BTK 1 से, क्योंकि वहाँ पे M9 पे आप भी समझते हैं कि मलीर एक्सप्रेसवे बन रहा है, सही तो है। मलीर एक्सप्रेसवे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मेन सिटी से यही डिस्टेंस तकरीबन 15 से 20 मिनट की ड्राइव बनता सही। है।
मतलब कोई बेल्टिंग वाला सीन या कोई ऑटो बॉन्डी फाइल वाला सीन ही होगा और सारी चीज लीज नहीं, पे नहीं, होगी नंबर के जो साथ नंबर आपको प्लॉट जो अलॉट होंगे। ठीक है, ये हमारे सुनने में आया और जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हमारी तो कोशिश होती है कि हम अच्छा क्या पेमेंट प्लान होगा इनका, किस पे चीज़ पेमेंट प्लान? तो 4 साल का है, 8 से 11% डाउन पेमेंट होगी। सही है, बाकी जो बचेंगे वो 4 साल में अदा करने होंगे, लेकिन अभी तक पेमेंट का वो शेड्यूल नहीं आया कि कितने में प्लॉट करेंगे, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 30 लाख से लेकर 40 लाख के बिटवीन होगा। 125 जी, 8 से 11% तकरीबन ऑलमोस्ट 3-3.5 लाख डाउन पेमेंट बनती है। हाँ, अगर पे करके आप उसको भी करवा सकते हैं। तो इसमें देखें, बात कर रहे थे कि बीटी के टू में ही क्यों जाएं, फुटफॉल के हवाले से बीटी के टू में जाना चाहिए कि नेक्स्ट जो यानी कि फ्यूचर सिनेरियो है उसमें एक तो डीएचए में आप समझते हैं कि कैंसर हॉस्पिटल भी बन रहा है, लोगों का फुटफॉल ज़्यादा होगा। लीर एक्सप्रेसवे असल में जो लोग कैंसर अस्पताल को अप्रोच करेंगे कराची सिटी से, उनके लिए भी इजी एक्सेस होगा, और जो लोग बीटी के टू में इन्वेस्टमेंट करेंगे या रहायश के पर्पज़ से आएंगे उनके लिए भी इजी एक्सेस होगी। तो वैसे भी अगर आप M9 पे चले जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कम्युनिटीज आबाद हो चुकी हैं, जैसे कमांडर सिटी है, ASF है, मिड टोन है, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, DHA है, जिनमें लोग काफ़ी तादाद में मूव हो चुके हैं। अच्छा, कोई एक एक्सपेक्टेड है कि बीटी के मतलब बीटी के टू को किसी लेन के जरिए मिला देंगे आपस में? जी, एक्सपेक्टेड है, ऐसी चीज़ें चल रही हैं, बताएं। चल रही हैं कि जो बैक साइड से तकरीबन 22 किलोमीटर का फासला बनता है उसको भी किसी मैकेनिज्म के जरिए ये आपस में जोड़ देंगे। तो अगर लोग यहाँ से कराची सिटी से बीटी के वन में आएंगे तो यहाँ से ईजीली बैक साइड से उनका बीटी के टू में जाना आसान हो जाएगा। सही, आपका आपके माइंड से एक अच्छी चीज़ है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से बीटी के टू एंड यूज़र के लिए आसिफ अच्छी चीज़। मेरी बात सुने ना, देखें बीटी के वन में जब प्लॉट लॉन्च हुए 17 लाख समथिंग में ये प्लॉट लॉन्च हुए, तो आप देखते हैं कि 70 लाख तक 80 लाख तक ये हुए हैं ना, तो इसी तरह बीटी के टू में भी होगा। जो लोग ये समझते हैं ना वो ज़रूर परचेज करेंगे। अब ये हम नहीं कह सकते कि लोग यार फैक्ट्रीज की शक्ल में इसको निगलेक्ट कर रहे हैं, निगलेक्शन का कोई सीन तो बनता ही नहीं है। जिसने यहाँ से अर्न किया बीटी के वन से वो बीटी के टू में लाजमी जाएगा। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई, हमने इतनी डिटेल से बीटी के टू को डिस्कस किया। बाकी व्यूअर्स, बीटी के वन या बीटी के टू के रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई इनके बुकिंग के हवाले से या कोई फॉर्म या कोई फाइल्स के रिलेटेड, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।